हलवे तो दोस्तों कई तरीके का बनता है, लेकिन आज हम लोग गेहूं के आटे का हलवा बनाने का सबसे आसान तरीका शेयर किया है। तो दोस्तों हमारे इस तरीके से बनाएंगे तो जो आपके हलवा है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार इस तरीके से घर पर ट्राई ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, मैं अवंकित प्रजापति, अवंकित कुकिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। आटे का हलवा बनाने के लिए हम लोगों ने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया, जिससे हम लोग दोस्तों रोटी बनाते हैं ना वही वाला आटा है, और इसी के साथ हम लोग आधा कटोरी घी है और एक कटोरी चीनी है दोस्तों, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आटा को रोस्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग एक कढ़ाई में आटे को डाल देंगे और दोस्तों इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इससे दोस्तों जो इसका मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आटा भी अच्छे से भुना जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग चलाते रहेंगे और चला करके दोस्तों इसको अच्छे से हम लोग रोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक बार घर पर हलवा ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो इसको दोस्तों हम लोग अब नीचे उतार देंगे, और नीचे उतारने के बाद एक कढ़ाई में दोस्तों जो घी है उसका हम लोग 3/3 हिस्सा डाल देंगे, और डालने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स है इसको भी इसी में डाल करके अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों भूनने से ये होता है ना, जो हलवा होता है उसमें जब खाते हैं तो इसका क्रंचीपन बहुत ही लाजवाब लगता है और बहुत ही हलवा टेस्टी लगता है। तो देखिए इसको भी हम लोगों ने भून लिया है, तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे, और निकालने के बाद दोस्तों जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका हम लोग छोटे छोटे बारीक में काट लेंगे। और दोस्तों निकालने के बाद इसी घी में हम लोग आटे को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको हम लोग हल्का सा ब्राउन कलर आने तक अच्छे से आटे को भून लेंगे। तो दोस्तों इसको भूनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोगों को आटे को भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी इससे जो आटे का हलवा है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इसको हम लोगों ने अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे जब तक ये अच्छे से कलर नहीं आ जाता है। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि घंटा भी ना मिस हो, क्योंकि दोस्तों हम लोग इसी तरह एक नई नई रेसिपी बनाते रहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग भूनते हुए दोस्तों 5 मिनट का समय लगा है, लेकिन ये अच्छे से कलर भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें दोस्तों हम लोग अब पानी को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों इसी कटोरी से हम लोग आटा लिया था, तो इसी से कटोरी से हम लोग 2 कटोरी इसमें पानी को भी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों 2 कटोरी में परफेक्ट माप एकदम आएगा, इसी से हलवा हम लोगों का बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो जितना आप आटा लेते हैं उसका 2 गुना दोस्तों पानी लगेगा। तो देखिए जैसे ही पानी हम लोगों ने डाला है इसको अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही दोस्तों आप इसको मिलाएंगे ना तो अच्छे से आटा फूलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए वैसे वैसे हम लोगों का जो हलवा है वो गाढ़ा होता जाएगा, तो इसको अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आटे में लंग्स पड़ जाएंगे तो जो हलवा है दोस्तों उतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो देखिए इसको हम लोग चलाते रहेंगे, और इसी में जो बचा घी है ना इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने घी 2 बार ऐड किया है, तो इसको ऐड करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से चला लेंगे। तो देखिए अभी जो ये चिपका है ना अच्छे तरीके से इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों हलवा होने का यही पहचान है कि एक कढ़ाई से लगता है छोड़ने, और जो चिपके होते हैं दोस्तों वो भी इसमें से निकल जाते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको भूनते रहेंगे, और भूनने के बाद इसी में हम लोग जो चीनी है दोस्तों इसको भी ऐड कर देंगे। तो चीनी ऐड करने के बाद हम लोग इसको चलाएंगे, तो देखिएगा दोस्तों जो हलवा है उसका रंग भी चेंज होते जाएगा जैसे जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से पकाते रहेंगे। दोस्तों आटे का हलवा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनता है, और देसी घी का में बनता है तो उसका दोस्तों और ही लाजवाब टेस्ट आता है। तो एक बार इस तरीके से घर पर ट्राई ज़रूर करें, और दोस्तों कमेंट भी करिएगा कि जो हलवा का दोस्तों कैसा बना है। तो देखिए इसको हम लोग अच्छे से चला चला कर दोस्तों इसको हम लोग भून लेंगे, और इसको भूनने के बाद दोस्तों हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रखे थे देखिए बारीक काट लिया है, तो इसको भी हम लोग इसी में डाल देंगे, और डालने के बाद दोस्तों इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिला देंगे। तो दोस्तों आप वैसे भी खाएंगे तो जो हलवा है वो टेस्टी लगेगा ही, लेकिन ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तो इसके
इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे और चला करके देखिए हम लोगों का जो हलवा है दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको दोस्तों हम लोग हम नीचे उतार देते हैं और सर्व कर दिखाते हैं और देखिए कितना हम लोगों का जो आटे का हलवा है कितना दानेदार बना है। तो एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों देखिए हम लोगों का जो हलवा है वो कितना परफेक्ट और कितना लाजवाब बना है। तो एक बार इस तरीके से घर पर ट्राई ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।